हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल के बारे में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, मतलब सरलीकरण के आधार पर सिंचाई नहरों का क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सरलीकरण के आधार पर यानी अलाइनमेंट के आधार पर जो हमारी नहरें होती हैं वो हमारी तीन टाइप की हमें कैनाल देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली है हमारी वाटर सेट कैनाल या रिज कैनाल जिसे हम कहते हैं, दूसरी हमारी है कंटूर कैनाल और तीसरी हमारी साइड स्लोप कैनाल जिसे हम हिंदी में पार्श्व ढाल नहर भी कहते हैं। तो ये तीन नहरें हैं ये हमारी अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट यानी सरलीकरण के आधार पर हमारा इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो आज इन तीनों जो कैनाल हैं इन तीनों कैनाल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे हम एक डिटेल डायग्राम की मदद से। इन तीनों कैनाल को मैं एक ही डायग्राम में यहां पर आपको अच्छी तरीके कोशिश करूंगा कि अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट मैं इन सबको एक्सप्लेन करूं। आपको इस डायग्राम को अच्छी तरीके समझना है, अगर आप डायग्राम को अच्छी तरीके समझ पाएंगे तो जितने पॉइंट्स मैं यहां पर लिखूंगा उनको आप याद भी अच्छे समय लंबे समय तक उनको आप याद भी रख पाएंगे और अच्छी तरीके से वो आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट कैनाल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज रिज कैनाल के बारे में और वाटर सेट, जिसे हम वाटर सेट कैनाल भी कहते हैं। अब देखें यहां पर रिज कैनाल में एक वर्ड है, यहां पर रिज, तो रिज किसे कहते हैं, रिज लाइन हम किसे कहते हैं, तो उसको हमें समझना होगा क्योंकि इसी का लिंक है हमारा रिज कैनाल से भी। तो देखिए रिज लाइन क्या है, आप देख पा रहे हैं यहां पर एक हमारा, हमने एक यहां पर एक कोई क्षेत्र बनाया हुआ है और क्षेत्र हमारा कैसा हुआ कैसा है देखें, यहाँ पर कोई हमारा पहाड़ी का हमने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है और इस पहाड़ी में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा ये जो हमारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में ये हमारे सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी पहाड़ी के सबसे निचले बिंदु यहाँ पर है और सब फिर दोबारा से हमारे सबसे ऊंचे बिंदु यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें देखें रिज लाइन की अगर हम बात करें तो रिज लाइन हमारी कौन सी लाइन होती है, क्योंकि देखें रिज कैनाल का संबंध इसी लाइन से है। तो रिज कैनाल समझने के लिए हमने देखा कि इस पोर्शन के सबसे, इस पहाड़ी का हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और इस पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये पॉइंट हम यहाँ पर हर पहाड़ी पर यहाँ पर हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं ये। तो देखें जरा यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी भी क्षेत्र में सबसे ऊंचे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिज लाइन कहलाती है, जैसे हम रिज लाइन कहते हैं। तो देखें तो रिज लाइन हमारी कौन सी हो गई, यानी रिज लाइन यानी वाटर सेट लाइन हमारी कौन सी होगी, ऐसी लाइन जो किसी क्षेत्र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से होती हुई जाती है उसे हम रिज लाइन या वाटर सेट लाइन कहते हैं। तो अब मैंने क्या किया यहां पर, एक मैंने यहां पर डॉटेड लाइन यहां पर देखें इस तरीके से, मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन यहां पर मैंने क्या किया बना दिया यहां पर। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम यहां पर कहेंगे रिज लाइन। तो ये जो लाइन हमारी वो क्या कहलाएगी, हमारी रिज लाइन कहलाएगी। चलिए अब तक हमने क्या समझा, रिज लाइन या वाटर साइड लाइन हमारी ये कहलाएगी, रिज लाइन या वाटर साइड लाइन हमारी ये कहलाएगी। तो अब देखें रिज लाइन हो गई, तो रिज लाइन हमारी कौन सी लाइन है, एक ऐसी रेखा जो किसी क्षेत्र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से होती हुई जाती है, सबसे ऊंचे बिंदुओं से होती हुई जाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, रिज लाइन कहते हैं। अब अगर हम देखें इस लाइन की एक प्रॉपर्टी देखें तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब अगर हम बात करें इस लाइन के इस साइड वाले पोर्शन की और इस साइड वाले पोर्शन की, तो हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेखा है जिसके दोनों ओर क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है यानी कि हमारा उतरता हुआ ढाल हमें देखने को मिलता है। तो दो पॉइंट्स यहां पर आपके इंपॉर्टेंट हुए, कौन कौन से, कि ऐसी रेखा जो किसी क्षेत्र के उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट से होकर जाती है, उच्चतम बिंदु मींस हाईएस्ट पॉइंट से होकर जाती है, तो उसे हम रिज लाइन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हुआ कि ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी रेखा है जिसके दोनों ओर, जिसके हम बोथ साइड की अगर हम बात करें तो दोनों ओर हमें ढाल देखने को मिलता है, कौन सा उतरता हुआ ढाल यानी डाउनवर्ड हमें ग्रेडियंट, डाउनवर्ड हमें स्लोप देखने को मिलता है इस लाइन के। तो दो इंपॉर्टेंट लाइन है और दोनों इंपॉर्टेंट लाइन हमारी कहां यूज होंगी, रिज कैनाल में यूज होंगी। अब अगर हम क्या करें इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के हम इस लाइन को फॉलो करते हुए अगर एक हम नहर का निर्माण कर दें, एक कैनाल का अगर हम निर्माण कर देते हैं, तो उसी कैनाल को हम क्या कहते हैं, रिज कैनाल या वाटर सेट कैनाल हम उसको कहते हैं। तो देखें जरा अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक ट्रेपेजियम शेप की, ध्यान से समझेंगे जरा, एक ट्रेपेजियम शेप की मैंने क्या किया यहां पर देखें, मैंने कैनाल का यहां पर मैंने निर्माण कर दिया, मैंने क्या किया यहां पर एक कैनाल का निर्माण कर दिया इस तरीके से, यहां पर आप देखें
इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कैनाल का निर्माण यहाँ पर हमने कर दिया। तो ये जो नहर यहाँ पर हमने बनाई है ट्रेपेजॉइडल शेप की, हम जो कैनाल देख पा रहे हैं, तो ये जो कैनाल हमारी है यही कैनाल हमारी क्या कहलाएगी, रिज कैनाल कहलाती है। हमने क्या किया देखें, यहाँ पर हमने इस लाइन को फॉलो करते हुए एक हमने रिज कैनाल यहाँ पर हमने बना दी। तो ये जो हमारी कैनाल है ये कैनाल ही हमारी क्या कहलाती है, यही कैनाल हमारी क्या कहलाएगी, रिज कैनाल कहलाएगी। अब देखें जो प्रॉपर्टी हमारी रिज लाइन की है वही प्रॉपर्टी हमारी रिज कैनाल की भी होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या सीख सकते हैं कि रिज, अब ये जो हमारी कैनाल हमारी यहाँ पर बन गई है, इस कैनाल को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखें इस कैनाल को हम क्या कहेंगे, रिज कैनाल कह देते हैं, रिज कैनाल। ध्यान समझिएगा इन सब पॉइंट्स को। देखें ये हमारी क्या आ गई, रिज कैनाल आ गई। अब रिज कैनाल क्या कर सकती है, तो इस रिज कैनाल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऐसी कैनाल जो जिसका अलाइनमेंट हमारे रिज लाइन पर होता है, यानी ऐसी जो कैनाल जो हम रिज लाइन को फॉलो करते हुए बनाते हैं उसे रिज कैनाल कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ये होगी अगर इसके दोनों तरफ ढाल था तो दोनों तरफ इरिगेशन भी कर सकती है। तो हम ये कहेंगे सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि रिज कैनाल ऐसी कैनाल होती है जो दोनों ओर, यानी कि हमारा क्या कर सकती है, बोथ साइड इरिगेशन कर सकती है। तो यहां पर हमारी रिज कैनाल क्या कर सकती है, बोथ साइड इरिगेट कर सकती है, क्योंकि इधर भी हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट है और इधर भी डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। और इरिगेशन तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर पानी हमारा ढाल के अनुसार ही चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इरिगेशन कैनाल हमारी क्या कर सकती है, दोनों तरफ हमारा इरिगेट कर सकती है। अब देखें अगर ये दोनों तरफ इरिगेट कर सकती है तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि इस कैनाल का, जैसे हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कमांडेड एरिया के बारे में, कि एक कैनाल जितना एरिया अपना कमांड कर सकती है, जितना एरिया इरिगेट कर सकती है उसे उसका हमने पिछले लेक्चर में दिखाया कमांड एरिया के नाम से हम जा रहा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिज कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो दोनों तरफ इरिगेट करने के कारण इसका लार्ज कमांड एरिया होता है, यानी ये ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकती है क्योंकि बोथ साइड इरिगेशन भी कर रही है और हमें यहाँ पर जो हमें ग्रेडियंट भी देखने को मिल रहा है तो बोथ साइड इरिगेशन भी कर सकती है। तो इसकी वजह से इसका कमांडेड एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो तीन हमने पॉइंट पढ़े। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या इसमें हम बात कर सकते हैं, तो देखें एक वर्ड है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होते हैं उसको समझें। हम ये कहेंगे कि रिज कैनाल पर हमें कहीं पर भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमें बनाने नहीं पड़ते हैं। तो अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है, जब कोई भी सिंचाई नहर किसी नदी नाले को क्रॉस करती है तो वहां पर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। दोबारा सुने, जब भी कोई हमारी सिंचाई नहर, जब भी कोई हमारी इरिगेशन कैनाल किसी भी नदी नाले को क्या करती है, क्रॉस करती है, किसी भी ड्रेन को क्रॉस करती है, तो उस टाइम हम वहां पर जो क्रॉस कर रही है वहां पर हम जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क के नाम से जानते हैं। अब हम ये जो कैनाल है, जो हमारी रिज लाइन है, वो कभी भी ड्रेनेज लाइन को, ड्रेन लाइन को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि ड्रेन लाइन हमारी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होती है और जबकि हमारी रिज लाइन टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हम तीन, चौथा पॉइंट हमारा क्या रहा इसमें कि रिज लाइन कभी भी ड्रेन लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अभी सारे पॉइंट्स में यहां पर और भी बताऊंगा, हमारी जो रिज लाइन है कभी भी ड्रेन लाइन को कभी भी क्या करे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो रिज कैनाल जो कि हमने रिज लाइन को फॉलो करते हुए बनाई है वहां पर हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तीसरा चौथा पॉइंट हमने यहां पर, पांच पॉइंट्स यहां पर हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब देखते हैं यहां पर पॉइंट्स यहां पर क्या क्या लिखे हुए, इनको और समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट है ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट रिज कैनाल पर, रिज लाइन पर किया जाता है। आप समझ गए कि ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट आप रिज लाइन पर कर रहे हो उसे रिज कैनाल कहते हैं, रिज कैनाल या वाटरसेट कैनाल कहते हैं। दूसरा, हमारा रिज कैनाल अपने दोनों ओर बोथ साइड एरिया को इरिगेट कर सकती है, यानी हमारा ये कैनाल ऐसी कैनाल है जो बोथ साइड एरिया को इरिगेट कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। रिज कैनाल का कमांड एरिया ज्यादा होता है, कमांड एरिया ज्यादा होता है और क्यों होता है, क्योंकि बोथ साइड इरिगेशन कर रही है। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये अपने दोनों ओर इरिगेशन कर सकती है। दूसरा, रिज कैनाल पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क यानी कि पारगामी जल निकास कार्य, यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, पारगामी जल निकास कार्य को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि रिज कैनाल ड्रेन लाइन को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि रिज कैनाल हमारी ऐसी, रिज लाइन हमारी एक ऐसी लाइन है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाती है और ड्रेन हमारी जो ड्रेनेज होते हैं वो हमारे लोअर मोस्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हमने बात की यहाँ पर
कि जो रिज लाइन है कभी भी ड्रेनेज ड्रेन लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, तो उसमें हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की भी आवश्यकता नहीं होगी कभी भी। दूसरा देखें, ऐसा बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं कि हम हर क्षेत्र के हाईएस्ट पॉइंट को कलेक्ट कर लें और वहां पर होकर हम कैनाल बना दें। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिज कैनाल को बनाना, इसके कमांड ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया इरीगेट कर सकती है, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ इसकी ठीक है, लेकिन हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढना और उस पर कैनाल बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कभी हो सकता है कि इसी टाइम पर हमें कोई आबादी वगैरह देखने को मिल जाती है, तो उस केस में हमें अपना अलाइनमेंट चेंज करना पड़ सकता है। तो ये कहते हैं कि रिज कैनाल को बनाना कठिन होता है, यानी ये हमारा थोड़ा सा इस मुश्किल काम है ये। तो हमने तीसरा लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रिज कैनाल बनाना काफ़ी कठिन होता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कंटूर कैनाल के बारे में और साइड स्लोप कैनाल के बारे में। तो कंटूर कैनाल को समझने से पहले आपको समझाते हैं इस डायग्राम में कंटूर कैनाल का रोल क्या है। तो देखें जरा यहां पर, सबसे पहले कंटूर कैनाल में समझने के लिए हमें वर्ड समझना होगा कंटूर। जैसे हमने रिज कैनाल के लिए समझा रिज, इसी तरह से कंटूर कैनाल के लिए आपको समझना होगा कंटूर किसे कहते हैं। तो अगर हम कंटूर कंटूर की बात करें तो देखें, आप जानते हैं जब हम सर्वेइंग में, जब हमने कंटूर चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि सेम एलिवेशन को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेम एलिवेशन से होते हुए जाती है, उसे हम कंटूर लाइन कहते हैं। दोबारा सुने और सिंपल शब्दों में कि ऐसी रेखा, यानी कंटूर लाइन कौन सी है, कंटूर रेखा, जिसे हम हिंदी में समोच्च रेखा कहते हैं। तो कंटूर लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी भी बिंदु, किसी भी क्षेत्र के समान आरएल वाले, समान आरएल मीन्स रिड्यूस लेवल, समान रिड्यूस लेवल वाले पॉइंटों से होती हुई जाती है, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, कंटूर लाइन कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कंटूर कंटूर के बारे में। तो कंटूर क्या है, तो देखें जरा यहां पर इसको मैं लिख देता हूं कि कंटूर, कंटूर लाइन की अगर हम बात करें, कंटूर लाइन एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है जो समान, समान मीन्स इक्वल, जो समान आर एल वाले पॉइंट से होकर जाती है, समान आर एल वाले पॉइंट से होकर जाती है, होकर जाती है। तो अब देखें यहां पर हमने कहा समान आर एल वाले पॉइंट से, आप कह सकते समान इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट से या इक्वल रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसे हम कंटूर लाइन कहते हैं। अब यहां पर हमारे समान आर एल कहां पर है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो देखें जरा ध्यान से, ये हमारी पहाड़ी का डायग्राम है, आप ध्यान देख रहे हैं। तो इस पहाड़ी में, ये जो हमारा पूरा पहाड़ है, इसमें आप देखें कि अगर सपोज करो एक कंटूर हमारा यहां है, सपोज किया मैंने कि उस कंटूर का जो आर एल है, इस कंटूर यानी इस पॉइंट का जो हमारा आर एल है वो है हमारा 100.000 meters, यानी इस पॉइंट, यानी इस पहाड़ी के इस पॉइंट पर हमारा क्या है आर एल, हमने देखा कि कितना है 100.00। ध्यान से समझना ये पॉइंट्स, आपको इन जितने भी पॉइंट्स हैं अगर डायग्राम में अगर आप समझ लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। देखें अब यहां पर हम बात करें, भाई इस पहाड़ी पर भी तो कोई ना कोई 100 वाला पॉइंट होगा ही होगा, तो हम ये बात करें तो हमने माना कि भाई इस पहाड़ी पर हमारा 100 वाला आर एल ये वाला है और इस पहाड़ी पर हमारा 100 वाला आर एल ये वाला है। यानी हमने क्या कर रहे हैं, हम लेवलिंग वर्क कर रहे हैं, हम यहां पर सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करके क्या कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द्वारा, कि हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जो जो हमारे सिर्फ 100 आर एल के हों, क्योंकि हमें इक्वल आर एल वाले पॉइंट चाहिए। तो यहां पर हमारा 100 होगा, ये 100 होगा, ये भी 100, ये भी हमारा 100 हो गया, ये भी हमारा 100 हो गया। तो हमारे ये हम कह रहे हैं कि जितने भी कैसे आर एल यहां पर कैसे 100 आर एल हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 100 मीटर के आर एल हमें यहां पर देखने को मिले। अब ध्यान देना जरा कि अगर इधर हमारे 100 आर एल वाले पॉइंट्स हैं तो क्या इधर 100 आर एल वाले पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी कि अगर इस पहाड़ी पर हमारी ये ऊंचाई है तो इधर भी तो ये पहाड़ी, ये भी तो पहाड़ी हमारी बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रही, तो इधर भी तो हमें 100 का आर एल देखने को कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो हमने कहा कि भाई 100 का आर एल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, हमने ढूंढ लिया सर्वे के द्वारा कि ये हमारे सारे पॉइंट्स कैसे हैं इक्वल आर एल वाले हैं, यानी इन सब पॉइंट्स के आर एल कितने, 100 आर एल यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या करें,
अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम एक लाइन यहाँ पर खींच दें तो ये जो लाइन है ये लाइन हमारा कितने का कंटूर हो गया। अब ये लाइन देखो पहाड़ी के पीछे, क्योंकि पहाड़ी अगर होगी तो इस पहाड़ी के टॉप पॉइंट से अगर पीछे की बात करें तो पहाड़ी इस तरीके से ढलान में आ रही होगी नीचे की तरफ, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं 100 का पॉइंट मिलेगा। तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा यहाँ है, तो ये हमारा पीछे होते हुए ये हमारा जो पॉइंट है वो इस तरीके से आ गया। तो ये जो लाइन है इस लाइन को आप क्या कह सकते हैं, इस ब्लैक लाइन को मैं कह सकता हूं कंटूर ऑफ 100 RL, यानी कि एक ऐसा कंटूर है जो 100 RL को शो कर रहा है। क्लियर? अब कंटूर कैनाल क्या है, बस बहुत आसान है कि ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट किसी एक कंटूर के लगभग पैरेलल होता है। दोबारा सुने, ऐसी कैनाल, कंटूर कैनाल एक ऐसी कैनाल है जिसका अलाइनमेंट किसी एक कंटूर के लगभग यानी अप्रोक्सीमेट पैरेलल रहता है, तो उसे हम कंटूर कैनाल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे अब, ध्यान से यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया, अभी ब्लू कलर की तो हमारी जो थी वो रिज कैनाल थी, अब ब्लैक कलर की जो है हमारी वो कौन सी है, कंटूर कैनाल हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, एक यहां पर आपने कैनाल बनाई इस तरीके से, ध्यान देना जरा। यहां पर हमने क्या किया, एक कैनाल बनाते हैं तो हमने यहां पर एक कैनाल बना दी इस तरीके से, कुछ यहां पर हमने यहां पर एक कैनाल बनाई इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हमने एक कैनाल बना दी, ये ट्रेपेजियम शेप की हमने यहां पर एक कैनाल बना दी, ये वाली कैनाल। अब इस कैनाल को लेके चलते हैं हम सीधे यहां से लेकर इस तरीके से, इस कैनाल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। मैंने क्या बताया कि ऐसी कैनाल जो किसी एक कंटूर के लगभग लगभग पैरेलल यानी अप्रोक्सीमेट पैरेलल बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटूर कैनाल के नाम से उसे हम जानते हैं। तो ये है हो गई हमारी कैनाल, देखें जो ब्लैक कलर की यहाँ पर आपको कैनाल देखने को मिल रही है वो ब्लैक कलर की कैनाल हमारी कौन सी है, कंटूर कैनाल है, क्योंकि वो हमारे एक किसी कंटूर को फॉलो करते हुए जा रही है। ये हमारी कैनाल हो गई, देखें जरा, ये हमारी कैनाल। चलो अब देखें ये जो कैनाल हमने यहां पर बनाई है ये कौन सी कैनाल हो गई हमारी, ये कैनाल हमारी कंटूर कैनाल हो गई यहां पर। कैसी कैनाल, कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल। तो देखें ये हमारी हो गई कंटूर कैनाल। इसी तरीके से इस कैनाल को घुमाकर हम क्या कर दें, इस इधर भी बना दें, तो ये जो हमारी पूरी कैनाल यहाँ पर हमारी बन गई, ये कैनाल कैसी हो गई हमारी, कंटूर कैनाल यहाँ पर हमारी बन गई, क्योंकि हमने इक्वल कंटूर ढूंढे और उस पर हमने कंटूर बनाया। अब देखें जरा ध्यान से, इसमें समझते हैं और आगे कहानी। अगर आप इसमें इरिगेशन की अगर हम बात करेंगे कि कहाँ का एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो ध्यान समझना जरा कि हमने क्या किया कि क्या आप इसके ऊपर, यानी ये हमारा कैसा पॉइंट है, अगर हम इससे ऊपर की पॉइंट की बात करें, यहाँ की पॉइंट की बात करें, तो ऊंचाई वाला पॉइंट है, तो पानी हम ऊपर नहीं भेज सकते इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैनाल से इरिगेशन सिर्फ एक ही तरफ की जा सकती है, और वो भी किधर, इस डाउनवर्ड पोर्शन में, यानी इस कैनाल से इरिगेशन हम सिर्फ एक ही एरिया में कर सकते हैं, कौन से में, एक तरफ कर सकते हैं, जबकि रिज कैनाल ऐसी कैनाल थी जिसके दोनों तरफ इरिगेशन कर रहे थे, लेकिन कंटूर कैनाल ऐसी कैनाल है जिसके सिर्फ एक तरफ ही इरिगेशन की जा सकती है। क्लियर यहां तक बात समझ में आई? चलो पहले ये दो पॉइंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो हमने यहां पर सीखा कि कंटूर कैनाल क्या है, तो कंटूर समझा पहले, सबसे पहले, और उसके बाद कंटूर कैनाल की डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो ऐसी कैनाल यहां पर हम लिखेंगे, ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट, जिसका अलाइनमेंट, ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट किसी एक कंटूर के, किसी भी कंटूर के, किसी एक कंटूर के लगभग पैरेलल यानी अप्रोक्सीमेट पैरेलल, लगभग पैरेलल रहता है, लगभग पैरेलल रहता है, उसे कंटूर कैनाल कहते हैं, उसे कंटूर कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कमांडेड, अब हमने किसकी बात की, एरिया की, तो यहां पर हम कहेंगे कंटूर कैनाल,
केवल एक तरफ का एरिया, यानी इरिगेट ओनली वन साइड ऑफ एरिया। कंटूर कैनाल केवल वन साइड का एरिया, वन साइड का एरिया इरिगेट कर सकती है, इरिगेट कर सकती है। ठीक है, यहां तक? यानी कि दिस कैनाल कैन इरिगेट वन साइड ऑफ एरिया ऑफ कैन ऑफ फील्ड, यानी हमारा जो किसी भी फील्ड का एक तरफ का एरिया इरिगेट कर सकती है। अब आगे और क्या बात कर सकते हैं इसमें हम, तो देखे जरा यहां पर कि अगर आप यहां पर कंटूर कैनाल बना रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर आप कंटूर कैनाल बना रहे हैं तो क्या आपको यहां से, देखो अब हमने यहां पर एक कैनाल में आपको कंटूर यहां पर बना के भी दिखाता हूं। सपोज करो आप यहां पर कंटूर कैनाल बना रहे हो, इस पॉइंट पर आपको 100 के पॉइंट आपको मिल गए यहां पर। तो अगर आप यहां पर कंटूर कैनाल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखें यहां पर आप पहाड़ी को इस तरीके से आप काटेंगे, यानी यहां पर आप पहले सबसे पहले नहर की तली बनाएंगे, बेड बनाएंगे, और उसके बाद आप यहां पर कटिंग कर देंगे ऐसे, और कटिंग करने के बाद इस मिट्टी को यहां से हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको बैंक बनाना पड़ेगा दूसरी तरफ, यानी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक बनाना पड़ेगा। देखो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इस कैनाल के लिए यहां पर हमें बैंक बनाना पड़ेगा। तो आप ये मुझे जरा बताइए, देखो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले नहर की तली बनाई, फिर यहां पर मैंने कटाई करा के, कटाई करने के बाद यानी कटिंग की, और यहां पर ट्रेपेजोइडल शेप बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमें यहां पर बैंकिंग करनी होगी, क्या करना होगा, हमें बैंक बनाना होगा। आपको मुझे यह बताना है कि क्या बैंक